फेरी मेडोज, परियों का चरागाह, द लैंड ऑफ पीस। शुक्र है कि कामरान भाई ने आग जला दी अंदर हमारे रूम में। ये रूम है हमारा जहाँ पर हमने स्टे किया है, और बिल्कुल नागा पर्वत की व्यू के साथ साथ। ओके, ऑल द बेस्ट। द डे फाइनली अराइव्ड, लेट्स राइड फॉर द फेरी मेडोज। बिस्मिल्लाह, गो। ओए पत्थर है, चलो 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 चलो, निकल लो, चलो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। रात हमने यहाँ पर इस होटल में स्टे किया, और अभी रात भी ही हमने ये तकरीबन डिसाइड कर दिया था फॉर द फेरी मेडोज हम इंशाल्लाह बाइक्स पे ही जाएंगे। खैर, रास्ता कुछ ख़तरनाक है, लेकिन हम अपने तरीके से जाएंगे। लेकिन गाइस, बहुत इंजॉय करने वाले हैं इस ट्रैक पे। इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे, जहाँ तक बाइक जाती है वहाँ पर बाइक्स हमें अपनी लॉक करनी है, वहाँ से हमने ट्रैक करना है। रात को जब हम रायगढ़ ब्रिज पर पहुँचे तो हमने इस होटल में स्टे किया, फेरी मेडोज गेटवे। आज बाइक्स का कवर उतारते हैं, अभी सामान वगैरह सारा उतारना है। मुश्किल ट्रैक करना है अभी फेरी मेडोज के लिए। बाइक्स को छोड़ते ही नहीं है वैसे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ऑफ सीजन शायद हमें चांस मिल रहे हैं। अली भाई, मेरी बाइक का पेट्रोल चोरी करते हुए। जस्ट किडिंग यार। इंशाल्लाह हम बाइक पे जाएंगे, हम जीप पे नहीं जा रहे। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि हम ये ट्रैक कर लें, क्योंकि इससे पहले हम बड़े मुश्किल ट्रैक कर चुके हैं, नूरी टॉप जैसे, बाबुन जैसे। तो इंशाल्लाह ये भी कर लेंगे। Okay, all the best for the safe ride. Okay, one thing I want to clear, Ali bhai, साथ चलना है। जो ट्रैक की है, आगे कंडीशन है कि उसको हम अंदाजे में रख के उसे साथ चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अल्लाह तू अपने रहम करम में रख। Let's ride for the ferry meadows. Leave Karakoram Highway from Raikot Bridge for the Tatu village. This ride was really amazing ride, one of the best ride of our trip. In 2020 autumn trip. Wow, यार, first gear, speed को limit में रखना है, clutch नहीं पकड़नी, बिल्कुल clutch को तो भूल जाएं। अगर clutch का use किया, clutch plate फारिग हो जाएंगी। अब आगे देखते जाओ, होता है क्या? इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि हम आज ये track कर लें। कुछ पता नहीं है कैसा रास्ता है, क्या है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पर। इससे पहले हम कभी भी नहीं गए फेरी मेडोज। मैंने कहा भाई, हम 8,000 में नहीं, हम 200 में जाएंगे। तो वो 200 वाला जुगाड़ ये है, सस्ता नशा जिसको बोलते हैं, क्या सस्ता नशा। खैर, दूसरी चढ़ाई आने लगी है। चढ़ाई का चढ़ने का सबसे तरीका, बाहर से इधर से आपने मोड़ काटना है, अंदर से काटोगे बाइक नहीं चढ़ेगी। बिस्मिल्लाह। ग्लव्स मैंने चेंज कर दिए, वो मैंने उतार के लेदर ग्लव लगा दिए, ताकि ठंड ना लगे, हाथ सुन ना हो। वेल, नासिर भाई ने काफ़ी सपोर्ट की, नासिर भाई ने हमें जो है हिम्मत दी। हम रात तक तो हिम्मत हार चुके थे कि यार पता नहीं क्या होगा। शॉर्टकट मार देना यार, शॉर्टकट मारते हैं, उधर से क्यों जाएं।
शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट तो गले में पड़ गया। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ 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 चढ़। नहीं, रास्ता था वो, हमने शॉर्टकट मारा लेकिन गले में पड़ गया। पीछे से बाइक को पकड़ो और टॉप बॉस के नीचे। रुको, मैं आ रहा हूं। असल में वो रास्ता वहां से ऐसे आ रहा है, हमने ये शॉर्टकट लगाया तो ये थोड़ी तकलीफ हुई। वैसे नॉर्मल चढ़ाई है, मसला नहीं है। तो ये थोड़ी चढ़ाई मुश्किल थी, ये छोटी थी। अली भाई, वो मुझे मसला भी हो रहा है इसलिए मैं भी नहीं कर रहा। वो व्यू चेक करें। अबे यही तो मैंने कहा, चार पांच से रोड कर करके थक गए यार। अब आया है मजा असल। मुझे ये समझ में आ रहा है। हाँ, तीन साल हमने सारी मेडो नहीं किया था तो शायद इस दिन के लिए नहीं किया था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यार अब आ रहा है मज़ा यार, रियली मज़ा आ रहा है। हम बोर हो गए थे रोड पे, अब कुछ लगा है पता कि यार कुछ स्पेशल भी है। यार हम बड़ी गलती करते अगर हम ये ट्रैक मिस करते, रियली। हाँ हाँ, ठीक है ज़बरदस्त। ओ सामने है राकोट, वो कराक्रम जा रहा है नीचे। चलो अब आगे चलो। चलो अली भाई, ये कुछ भी नहीं है नूरी के आगे। बाइक के लिए बेस्ट ये अंदर वाला ट्रैक इस्तेमाल करो, जो जीप का ये टायर है अंदर वाला, उस टायर से आओ। ओए ये मुश्किल चढ़ाई है। अरे भी चलो 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 चलो, इधर से जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल 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 चल। ओह नो। रुकना नहीं, रुक गए फिर नहीं चढ़ सकते। यो अल्लाह, नीचे की गहराई इतनी बड़ी है कि आप देखोगे आपको चक्कर आ जाएंगे। तो बेहतर ये कि देखो भी नहीं, ना देखो। यहाँ रुकूंगा, अली भाई को देखूंगा फिर जाऊंगा। कहाँ गया? अरे भाई गाइस, अली भाई पीछे से नजर नहीं आ रही, आवाज ही हमने पड़ी लगी है, वो नजर नहीं आ रहे, पता नहीं क्या। मैं इधर के रुका, मैं नीचे जाऊंगा, पता नहीं क्या हुआ यार, अली भाई नजर नहीं आ रहा।
बाइक नजर नहीं आई अली भाई के, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं हुआ ऐसा, बस वो ट्रैक पे हूँ, बाकी कोई मसला नहीं है। जीप भी जा रही है, हो सकता है ये भी उनकी हेल्प करे, बस अल्लाह करे वो ट्रैक पे हो। थैंक गॉड यार, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी आपने, ये अंदर से ट्रैक नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए, मेरी दिल बाहर आ गई थी यार। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं पहाड़ है ना, आवाज़ दे रहा हूँ वहाँ से, मेरी आवाज़ नहीं आई? आई ना, तो तुम्हें भी आवाज़ देनी थी ताकि मुझे पता चले कि तुम ट्रैक पे हो। ओके अब मैं तुम्हें लेकिन बाहर ज़्यादा नहीं जाना, ज़्यादा बाहर नहीं जाना, ओके। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, गो गो, ओए पत्थर है, चलो 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 चलो, निकल लो चलो। ये चीज ये मैंने पैदल चढ़ना है, उठा लेगा मुझे। बिस्मिल्लाह यार, क्या बात है, जहां पर रुक जाए बाइक रोक लेना, ओके? हम दोनों बैठ गए हैं बाइक पे, क्योंकि मैं पैदल नीचे आ गया था, ओए वजन हो गया गाड़ी पे, अंदर से नहीं, अंदर से नहीं, अंदर से नहीं, रुको 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 रुको, ओके 1 2 3 गो 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 गो, कम ऑन, ओके ब्रो रेडी, अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई ऊपर आ चुके हैं, टायर ट्यूबलेस होना जरूरी है यार, टेम्सन टायर इज अ रियली गुड टायर यार, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है टेम्सन का यार, ज़बरदस्त टायर है, ज़बरदस्त टायर है यार, मज़ा आ गया यार। टेम्सन थैंक यू रोडीज फॉर दिस वंडरफुल टायर यार, ओह आ गई भाई, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, थोड़ा इधर से जाता हूँ मैं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी टांगें बड़ी हेल्प करती हैं मेरी, चल 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 चल, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, चल चल चल, रुकना नहीं रुकना नहीं रुकना नहीं, रुक 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 चल रुक 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 रुक, जल 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 रुक 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 जल 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 जल, ये हुई बात, ये बात ये बात ये बात ये बात ये बात ये बात, ओ ये पत्थर खराब है, आपके टायर का मोशन तोड़ देते हैं यार, जो नीचे कच्चा होता है ना उसमें ये मिक्स होके मोशन तोड़ देते हैं, चल 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 चल, रुकना नहीं रुकना नहीं रुकना नहीं, चल 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 चल, तू जा रहे तू जा जा तू जा रहे जा, मैं पूरा रास्ता मुकम्मल करके ही जाऊंगा, क्या इसका मतलब तू कभी नहीं जाएगा,
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? आपका नाम क्या है? सॉरी, हतीउर रहमान। आगे रास्ता ऐसा ही है? ऐसा ही। ओ, जाके स्टॉप तक? हाँ। अरे फिर तो मजा आ गया। मतलब चढ़ाइयाँ जो नीचे थी वही थी बस। रास्ते में जहाँ पर हमें जो मिलता हम उनसे ये कंफर्म करते हैं कि यार आगे रास्ता कितना है, आगे रास्ता कितना है। कोई ये कहता कि आगे अब चढ़ाइयाँ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चढ़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। जी अगर आगे ऐसा रास्ता है तो फिर मेरा ख्याल है कि ज़बरदस्त, बेहतरीन। मतलब जैसे हम नूरी टॉप की तरफ चढ़ते हैं ना, तो वो स्टार्टिंग में सुरगन की चढ़ाइयाँ आती हैं, वो बड़ी ख़राब चढ़ाइयाँ होती हैं सुरगन वैली। इसकी भी स्टार्टिंग में चढ़ाइयाँ हैं, ऊपर चढ़ने के बाद फिर ये सीधा ट्रैक है। GS इज़ द बेस्ट, लव यू GS, लव यू टिम्सन टायर। क्या टिम्सन ने परफॉर्मेंस दिया यार, ज़बरदस्त 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 तरीके से, बड़े जो है पंच के साथ, एक कम्फर्टनेस के साथ टायर ये आपको सफ़र करवाता है। मैंने इससे पहले रेलको यूज़ किया है, इससे पहले मैंने रेलको भी बड़ा अच्छा है, लेकिन ये यार मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा है। इससे पहले मैंने जो है पैंथर भी यूज़ किया है, पैंथर तो खैर फारग टायर है। दो से तीन घंटे की राइड ऑफ राइड करने के बाद गाइस दिमाग आपका इतना पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है कि आपका दिल करता है कि यार अब बस हो गई, अब वापस चलो, वापस चलो। यहाँ पर भी हमारी वही हालत है। देखो नांगा पर्वत, कमाल का व्यू आ रहा है नांगा पर्वत का यार। मेरे ख्याल से ये तत्तू विलेज ये सामने। यस,
तकरीबन आधा रास्ता मुकम्मल करने के बाद जब आपको नागा पर्वत का सामने व्यू नज़र आता है तो आपके दिल में एक और उम्मीद जाग उठती है कि यार बस अब काफ़ी करीब है हम। पूरा दिन ऑफ रोड करने के बाद जब आप इतना क्लोजली नागा पर्वत को देखते हैं तो यकीनन आपकी थकावट दूर हो जाती है। वेल गाइस, यहाँ तक हमने तकरीबन ट्रैक मुकम्मल कर लिया था। तातू विलेज तकरीबन हम पहुँचने वाले थे। इन खूबसूरत वैलीज़ के ऊपर से गुजरते गुजरते आखिर जब हम तातू विलेज पहुँचे, हमने वहाँ पर अपनी बाइक्स पार्क की। वहाँ से फिर हमने प्लान बनाया आगे का। आगे क्या होता है वो अब आगे देखते हैं। यस गाइस, ये अगर मेरा कैमरा में नजर आ रहा है तब तो वो सामने है। उए, मैंने गलती से गियर निकाल दिया, मुझे दूसरे गियर में। गाइस यू चेक करें, ये वही ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अभी हम लास्ट स्टॉप पर पहुंचने वाले हैं जहां तक जीप्स जाती हैं। ज़्यादा जो माहर ने कहा कि वहाँ कोशिश करो अगर होटल वोटल मिल जाता है ठीक है, नहीं तो पीछे किसी घर में आके बाइक खड़ी करो और उनको 200-400 दे दो, वो लगा देंगे आपकी बाइक्स। तो ये है वो लास्ट स्टॉप जहाँ पर आप अपनी बाइक्स स्टॉप करते हैं। यहाँ से आगे रास्ता ख़त्म है, आप देख सकते हैं यहाँ से आगे रास्ता कटा हुआ है। आगे ये रास्ता यहाँ से स्टार्ट होता है लेकिन ट्रैकिंग का, बाइक्स आपकी आगे नहीं जा सकती। बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई इन नेक्स्ट जर्नी। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं यहाँ से आगे भी बाइक ले जाऊँ, लेकिन गाइस यहाँ से आगे ये बाइक तो नहीं जा सकती, यहाँ से आगे ट्रायल बाइक जा सकती है। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ट्रायल बाइक फेरी मेडोज़ तो क्या बयाल कैंप तक लेके जाएंगे।